हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में बैंको प्रोडक्ट्स कंपनी की डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस स्टॉक की कीमत 175 रुपये और आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिली। 5 दिन में 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 1 महीनों में 8% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में 4% के पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टू डेट में 19% के रिटर्न, 1 साल में 19% के रिटर्न, 5 सालों में 6% के नेगेटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 491% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते हो तो काफ़ी वॉलेटिलिटीज में हमें देखने को मिला है। जैसा कि आप यहां देखते हो, मात्र 24 अप्रैल 2020 में इस स्टॉक की कीमत 66 रुपये थी, अभी 175 रुपये हमें देखने को मिली है। तो इस स्टॉक का टारगेट क्या होने वाला है, ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, बात करते हैं कंपनीज के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स एनालिसिस की। जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट ओपन करते हो, और पहले मैंने जैसा कि हर वीडियो में आपको बताया, पहले आपको लॉन्ग टर्म चार्ट ओपन करना है वीकली, और उसके बाद में आपको देखना है कि इसका जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। जैसा कि आप यहां देखते हो, यहां से इस स्टॉक्स में काफी तेजी हमें देखने को मिली। हाल फिलहाल इस स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अगर हम यहाँ इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ देखते हो इसका जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करते हो तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें देखने को मिला है। और इस ये जो प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कर रहा है, अगर हम डेली चार्ट पैटर्न पे देखें तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली और वही ट्रेंड लाइन सपोर्ट इस स्टॉक्स ने अभी बनाया हुआ है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। अगर आप यहां इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हो तो ऑलमोस्ट आप एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये प्रॉपर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये इस स्टॉक्स में काफी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, एक चैनल हमें देखने को ये मिला है। अगर ये अपर की ओर ब्रेक करता है तो इसमें काफी तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अप ट्रेंड भी बन सकता है। अगर आप यहाँ देखते हो, ऑलमोस्ट इसका जो लेवल होगा, अगर ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें एक लेवल निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ एक प्रॉपर लेवल हमें देखने को मिला 198 का। अगर ये इस लेवल यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ भी हमें देखने को मिला है, अगर इस लेवल को ये प्रॉपर ब्रेक करता है ऑलमोस्ट 166 को, ठीक है, अगर ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेक करता है तो यहाँ से इस स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिल सकती है। देन वहां से ये 1900 या ऑलमोस्ट 200 तक हमें देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ देखो, अगर ये इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है, इस कैंडल्स को नीचे की ब्रेक करता है तो यहाँ से इस स्टॉक की गिरावट स्टार्ट हो सकती है और ये यहाँ से 165 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसका जो नीचे की गिरावट होगी तो ये कहाँ तक जा सकता है, जैसा कि इसका जो गिरावट है, नेक्स्ट गिरावट ये 155 तक रुक सकता है। वहां से इसके बाद ये जो गिरावट हो सकती है इसकी 132 तक हमें भी देखने को ये मिल सकता है। ये इसके नीचे के लेवल होंगे। अगर ये मूव करता है अपर की ओर तो यहाँ हम देखते हैं, पहला इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 217 का होगा, देन इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 225 तक हमें देखने को ये मिल सकता है। तो ये इस स्टॉक की एनालिसिस है। अगर आप यहाँ 15 मिनट्स के कैंडल में देखते हो तो ऑलमोस्ट यही लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ इसको देखते हो, कंटिन्यूस एक चैनल पेजेस में ये वर्क कर रहा है और वही जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए उस वही है, इसको ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो बात करते हैं कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस। ये जो कंपनीज है यहाँ पे सप्लाई इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम्स फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन द बोथ डोमेस्टिक्स एंड इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है। कंपनीज जो है इनकॉर्पोरेटेड इन 1961 की कंपनीज है। ऑलमोस्ट 40 साल का एक्सपीरियंस है इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में। कंपनीज के अगर हम यहाँ डिटेल्स में एनालिसिस देखते हैं तो कंपनीज के यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट है, एक सब्सिडरी कंपनीज है। अगर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये इट्स मैन्युफैक्चर इंजन कूलिंग मॉडल्स इज द रेडिएटर
चार्ज्ड एयर कूलर, फ्यूल कूलर, ऑयल कूलर एंड द ये जितने भी कंपनीज के यहाँ पे ब्रांड्स हैं, काफी सारे कंपनीज के ब्रांड्स हैं। कस्टमर्स की बात करें तो कंपनीज के जो कस्टमर कौन कौन से हैं, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर, महिंद्रा, गोदरेज, इंडियन रेलवे एंड द फ्यू अदर्स, और इसके अलावा भी कुछ अदर्स इसके कस्टमर्स हैं। सप्लाईज की बात करें तो 65% प्रोडक्ट्स ऑरेंज ओईएम के हैं। प्रोडक्ट वाइज की बात करें तो एनुमिनियम के रेडिएटर्स 86% रेवेन्यू यहाँ से आता है, बाकी कॉपर बेस्ड रेडिएटर से 14% का निकल के आता है। ज्योग्राफिकल देखें हम तो 62% रेवेन्यू इंटरनेशनल से आता है और 38% रेवेन्यू इंडिया से आता है। ऑलमोस्ट कंपनीज का यहाँ पे बिजनेस काफी अच्छा है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1257 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का लो 120 रुपये, स्टॉक का हाई 225 रुपये, स्टॉक का प्राइस अर्निंग 8.36 है, बुक वैल्यू 128 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 1.14%, कंपनीज काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.7%, आरओई 14.48%, यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपए की है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनीज डेप्ट फ्री है। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो काफी बढ़ते हुए कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, काफी अच्छे कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनीज को काफी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें बैलेंस शीट में तो कंपनीज के रिजर्व्स काफी बढ़ते हुए 800, 600, 800, 900 करोड़ के, और बोरोइंग्स काफी कम है, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का है। कंपनीज का यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो 67% के स्टेक्स प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज के पास 0.38% के, डीआईज के पास 0.02% और पब्लिक होल्डिंग 31% है। अगर हम बीएससी पर इस स्टॉक के एनालिसिस करें तो जैसा कि आप यहाँ देखते हो कंपनीज के कॉर्पोरेट एक्शंस में कंपनीज ने काफी अच्छा डिविडेंड दिया है। 2021 में 2 रुपए का, 20 में 20 रुपए का, 19 में 3 रुपए, फिर 5 रुपये एंड 18 में 5 रुपये 80 पैसे। ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी कंपनीज है। इस कंपनीज के आप शेयर्स खरीद सकते हो। इधर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पेशेंस के साथ आपको होल्ड रखना होगा। क्या आपके पास ये स्टॉक है? नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर।